हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ICICI बैंक और पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट डिफरेंस कैलकुलेशन के बारे में। और अगर आप लोग 1 लाख डिपॉजिट करते हो तो मैच्योरिटी के वक्त ICICI में या फिर पोस्ट ऑफिस में कौन सा में हाईएस्ट रेट मिलता है और हाईएस्ट मैच्योरिटी आप लोग को मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। तो आप लोग फुल वीडियो देखो और जान पाओगे कहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा रेट से आप लोग का मनी ग्रो कर सकेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट। यहाँ पे कहाँ पे आप लोग कितना मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक है ICICI बैंक, दूसरा है पोस्ट ऑफिस। तो मिनिमम डिपॉजिट जो है ICICI बैंक में वो 10,000 रुपीज और इसका मैक्सिमम डिपॉजिट कोई भी लिमिट नहीं है। और पोस्ट ऑफिस में मिनिमम डिपॉजिट है 1,000 रुपीज और मैक्सिमम डिपॉजिट इसका भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10,000 रुपीज, यहाँ पे 1,000 रुपीज। और अभी मैं टेन्योर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ICICI बैंक में 7 डेज से लेके 10 ईयर्स तक आप लोग को मिल जाता है फिक्स डिपॉजिट करने का ऑप्शन। और पोस्ट ऑफिस में 1, 2, 3, 5 ईयर्स का FD होता है, कोई भी 4th ईयर का FD नहीं होता है। ये पॉइंट को कंसिडर करके देखिएगा, 4th ईयर का कोई भी TD नहीं है पोस्ट ऑफिस में। और इंटरेस्ट जो है पेबल मंथली, हाफली, क्वार्टरली बेसिस में पेबल होता है, और पोस्ट ऑफिस में मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस का जो FD होता है वो एनुअली पेड होता है, एक ही साल में एक बार पेड होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज। और एक्स्ट्रा 0.50% इंटरेस्ट रेट मिलता है फॉर सीनियर सिटीजन इन ICICI बैंक। और पोस्ट ऑफिस में कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है फॉर सीनियर सिटीजन को। और नो TDS इज बीन डिडक्टेड इन पोस्ट ऑफिस एंड इन बैंक TDS इज बीन डिडक्टेड। TDS आप लोग को डिडक्शन नहीं होता है पोस्ट ऑफिस में, बैंक में लेकिन TDS डिडक्शन होता है। प्रीमैच्योर विड्रॉल दोनों केस में अवेलेबल है, ICICI बैंक में और पोस्ट ऑफिस में भी। लेकिन NSC स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस का, उसमें आप लोग 5 ईयर्स तक पैसा निकाल नहीं सकते हो। और ये जो स्कीम में तभी निकाल सकते हो जब अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा बिफोर डूइंग NSC इन पोस्ट ऑफिस। और टैक्सेशन पॉलिसी ICICI बैंक में और पोस्ट ऑफिस में दोनों टैक्सेबल है। लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो 5 ईयर का FD होता है, अगर आप लोग 5 ईयर का फिक्स डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस में, देन डेफिनेटली आप लोग को अंडर 80C के अंदर टैक्सेशन छूट मिल जाता है। ठीक है, और परचेस दोनों आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, और पोस्ट ऑफिस में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। एनी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है बोथ पोस्ट ऑफिस में और ICICI बैंक में। और लोन फैसिलिटी जो है पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल है और ICICI बैंक में भी अवेलेबल है। और मैं अभी बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है ICICI बैंक में वो है 3% और पोस्ट ऑफिस में 4%। और अगर आप लोग FD करते हो 1 ईयर तो यहाँ पे मिल जाता है 4.90 और पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है 5.50। और अगर FD करते हो 2 ईयर्स ICICI बैंक में तो 5.15 मिल जाता है ICICI बैंक में, पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है 5.50। और अगर आप लोग FD करते हो 3 ईयर्स देन ICICI बैंक में मिल जाता है 5.35% और पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है 5.50। और अगर आप लोग FD करते हो 5 ईयर ICICI बैंक में मिल जाता है 5.50 और पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है 6.70, जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अमॉन्ग ऑल प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में से। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप लोग 5 ईयर का फिक्स डिपॉजिट कर दीजिएगा पोस्ट ऑफिस में, सो दैट आपका मनी अच्छी तरह से ग्रो कर सके। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ICICI बैंक में 5.50 दे रहा है, बहुत ही कम है। ठीक है, मैंने FD का 4 ईयर का कंपेरिजन नहीं किया हूँ क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 4 ईयर का FD नहीं होता है। और एक्स्ट्रा 0.50% इज बीन गिवन टू सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ बैंक, नॉट इन पोस्ट ऑफिस, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी डिफरेंस कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, पीरियड पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट, ICICI बैंक इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन पोस्ट ऑफिस, मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन ICICI बैंक, सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ ICICI बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ईयर अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस का 5.5 और ICICI बैंक का 4.90 और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख यहाँ पे मिलता है पोस्ट ऑफिस में 1,05,614 रुपीज और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन ICICI बैंक में मिलता है 1,04,900 और सीनियर सिटीजन केस में मिल जाता है 1,05,400 इन केस ऑफ ICICI बैंक। अगर आप लोग 2 ईयर फिक्स डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है 5.5% और ICICI बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है 5.15 और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख यहाँ पे मिल जाता है 1,11,229 रुपीज इन पोस्ट ऑफिस और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन ICICI बैंक यहाँ पे मिल जाता है 1,10,300 रुपीज और सीनियर सिटीजन केस में मिल जाता है 1,11,300
300। और अगर 3 ईयर्स का फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 5.5% मिलता है इन पोस्ट ऑफिस, और ICICI बैंक में मिल जाता है 5.35, और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन पोस्ट ऑफिस यहाँ पे मिलता है 1,16,843, और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन ICICI बैंक यहाँ पे मिल जाता है 1,16,050, और सीनियर सिटीजन केस में मिल जाता है 1,16,950। और अगर आप लोग 5 इयर्स का FD करना चाहते हो तो 6.70% मिलता है इन पोस्ट ऑफिस, और 5.50 मिलता है इन केस ऑफ ICICI बैंक, और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख मिलता है इन पोस्ट ऑफिस 1,34,351, और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन ICICI बैंक यहाँ पे मिल जाता है 1,27,500, और सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ ICICI बैंक यहाँ पे मिल जाता है 1,31,500। ठीक है, तो ये सब आप लोग को मैच्योरिटी में मिल जाता है, तो आप लोग देख सकते हो कहाँ पे आपके लिए बेहतर है, वहाँ पे आप लोग फिक्स कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, FD जो कर रहे हो पोस्ट ऑफिस में आपको एनुअली बेसिस पे मिलता है, ये उसका डिमेरिट है। लेकिन आप लोग ICICI बैंक में क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे आप लोग ले सकते हो। और इंटरेस्ट अर्न्ड इन ICICI बैंक इज बीन ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये जो कैलकुलेशन हुआ है क्वार्टरली बेसिस में कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, थोड़ा चेंजेस है अगर आप लोग मंथली बेसिस में कैलकुलेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इंटरेस्ट अर्न्ड इन ICICI बैंक बाय सीनियर सिटीजन इज स्लाइटली हायर, 0.5% ज्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन को, बट नॉट इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये था पूरा ICICI बैंक और पोस्ट ऑफिस का डिफरेंस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, और मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन भी कितना आप लोगों को डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिनाटेक। थैंक यू।